खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां अराई पंचायत समिति के मुंडौदी टंडियान गांव में हुए खदान हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी खदान में दबे हुए एक श्रमिक जीतराम को बाहर नहीं निकाला जा सका है, जबकि दूसरे श्रमिक हनुमान का अस्पताल में इलाज अब भी जारी है। वहीं इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरी ओर खदान में दबे श्रमिक के परिजनों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। बहुत गहरी है और बहुत ही संकरी माइन है, अंदर मशीनें जा नहीं पा रही। काफ़ी बड़ी संख्या में मशीनें यहाँ पर पहले ही मंगाई हुई हैं, उन मशीनों से जो भी प्रयास हो पा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। NDRF की टीम भी लगी हुई है, जो भी संसाधन यहाँ पर हमारे पास में आवश्यकता है वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। पर क्योंकि बहुत ही सक्रिय माइन है, बहुत गहराई में मशीन और वो व्यक्ति फंसे हुए हैं, इसलिए अभी समय लगेगा इसमें। आपको अजमेर के नसीराबाद से खबर बता रहे हैं, जहां प्रशासन की ओर से बचाव कार्य लगातार जारी है और पुलिस अधीक्षक ने हालात का भी जायजा लिया है, लेकिन अभी भी एक श्रमिक जो दबा हुआ है उसको बाहर नहीं निकाला गया है। मुंडौती टंडियान गांव में ये खदान ढह गई थी। आपको बता दें कि इस खदान को ढहे कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी एक दबे हुए श्रमिक को बाहर नहीं निकाला गया है। वहीं दूसरे श्रमिक का इलाज जारी है। अजमेर के नसीराबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दबे हुए श्रमिक के परिजनों ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगाया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता जावेद फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी जावेद, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी तक भी, क्या दबे हुए श्रमिक को बाहर नहीं निकाला जा सका है? जी लवीना, मैं बता देता हूँ कि नसीराबाद के भी प्रशासन वहाँ मौके पर पहुंचा हुआ है और जिले भर का प्रशासन मौके पर है, लेकिन अभी रेस्क्यू टीम का काम बदस्तूर जारी है और अभी उसको जीतराम जो दबा हुआ है भारी चट्टान के नीचे, उसको अभी निकाला नहीं गया है। जबकि एक जो दबा था श्रमिक, उसको हनुमान को निकालकर अजमेर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करा दिया, उसका उपचार वहाँ जारी है। जावेद, खदान को ढहे हुए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या परेशानी आ रही है, क्यों बाहर नहीं निकाला जा रहा है? लवीना, संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है। उस खदान में भारी भारी चट्टाने हैं जो बहुत ज्यादा गहराई के अंदर नीचे हैं, और जब तक वो चट्टाने हटेंगे नहीं, जब तक जो दबा हुआ श्रमिक है उसको निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी से जो श्रमिक दबा हुआ है उसको निकालने की प्रक्रिया जारी है। लवीना जी, जावेद, और जीतराम के जो परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जीतराम के परिजनों का कहना है कि अभी 20 घंटे पूरे बीत चुके हैं, खदान को ढह गए हैं और अभी तक ये प्रशासन इसमें ढिलाई बरत रहा है और अभी तक जीतराम को बाहर नहीं निकाला गया है, उनमें रोष व्याप्त है। लवीना जी, जावेद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से नसीराबाद से खबर बता रहे थे, जहां पर खदान ढह जाने से अभी तक भी एक श्रमिक दबा हुआ है और उसको निकालने के लगातार प्रयास जारी हैं।